तो बेटे नेक्स्ट राइट डाउन अटोमिक नंबर 19, हरी अप, राइट डाउन अटोमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, पेयर्ड एंड ग्रुप, हरी अप। टॉमी ने बोलता है ग्रुप पेयर बताओ बेटे, पेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, हरी अप। 2881, तो व्हाट विल बी द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स आपको क्या बताता है बेटे, पेयर्ड। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्या बताता है, ग्रुप। समझ आ रही है, ठीक है। अटोमिक नंबर 20, हरी अप। नेक्स्ट इज अटोमिक नंबर 20, हाँ, पीयर 4, ग्रुप 2, अटोमिक नंबर 17, ये ग्रुप बता रहे हैं, ये पीयर बता रहे हैं, हाँ जी, अटोमिक नंबर 17, लिख आगे, 2, 8 पूरे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं अभी तक, हाँ तो 17 कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 7 लिख, लास्ट शेल में 7 आएंगे, हाँ अब बता पीरियड क्या है, ग्रुप 7 नहीं होता, जब वो बेटे लास्ट शेल में 1, 2, 3 1, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आ रही है, जब 3 स्टार्ट हो जाए ना, 3 लास्ट शेल में, 3, 4, 5, 6, 7, तो ग्रुप हो जाता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, अब बता ग्रुप क्या है, पीरियड कौन सा है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी बन रही है, 3, देख 2, 8, 7, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3, पीरियड कौन सा हो गया, 3, ग्रुप कौन सा हो गया, 17, अटोमिक नंबर 18, हाँ जी क्या बना, 18 ग्रुप एंड पीरियड 3। बेटे जो आपकी सिलेबस में है, आपकी सिलेबस में से 4 पीरियड्स ही आएंगे, देखो उसके ज्यादा की फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपकी सिलेबस में, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 4, पीरियड नंबर 4 तक ही आएगा, जो भी आएगा, या फर्स्ट पीरियड होगा, या सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा, और फोर्थ में सिर्फ 2 होंगे और फर्स्ट में भी 2 होंगे, इतनी बात समझ आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं, और क्या आता है इसमें से क्वेश्चन, आपको पूछा जाता है एलिमेंट कौन सा है, उसकी ऑक्साइड, हाइड्राइड और हलाइड, आगे चलते हैं हम, जैसे कि आपको मैं बोलूं अटोमिक नंबर 11, राइट डाउन अटोमिक नंबर 11 अभी किया था ना, तो अब एलिमेंट कौन सा है, मैंने कल बोला था कि एलिमेंट याद करके आओगे, सोडियम, ठीक है, सोडियम कैसी ऑक्साइड बनाएगा, कैसी हलाइड बनाएगा और कैसी हाइड्राइड बनाएगा, देखो बेटे ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक है, हलाइड होती है हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन हैं, ये क्या है, हैलोजन, जब ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट लगता है तो इसकी ऑक्साइड बनती है, जब हैलोजन के साथ कोई एलिमेंट लगता है तो इसकी हलाइड बनती है, ठीक है, हलाइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड,
सोडियम फ्लोराइड, फ्लोरीन एक अकेला एलिमेंट है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन में आता है, अब वो फ्लोरीन नहीं रह गया, वो फ्लोराइड बन गया। समझ आ गई, उसकी उसकी हस्ती होगी खत्म। अब वो अकेला फ्लोरीन नहीं है, वो एक एनायन है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन अकेला अकेला है, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया वो एक एनायन बन गया, वो ऑक्साइड बन चुका है। अब उसके लिए आप ऑक्सीजन वर्ड यूज नहीं करते हो, आप क्या वो बोलते हो, सोडियम ऑक्साइड। समझ आ रही है, वॉट इट। वैसे ही हाइड्रोजन एक अकेला गैस है, मगर हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ लग जाती है तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन के लिए आप हाइड्राइड यूज करोगे वर्ड, जैसे कि अब सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसकी ऑक्साइड कैसे बनेगी, सोडियम की लास्ट शेल में कितने हैं, वन, तो इसकी वैलेंसी क्या है, प्लस वन, ठीक है। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, अप टू एटॉमिक, अप टू वैलेंस शेल फोर। समझ आ गई, लिखो जिनको नहीं आता, अप टू वैलेंस शेल फोर, लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंसी बताएगा। जैसे जिसकी लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी विल बी वन, अगर टू इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी विल बी टू, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी विल बी थ्री, अगर फोर इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी विल बी फोर। जब फोर से आगे बढ़ते हैं तो आप एट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कर देते हो, क्या करते हो, एट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। जिसकी वैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है तो एट माइनस फाइव विल बी थ्री। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एट, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिक्स। अब सिक्स वैलेंसी नहीं हो सकती, तो हम एट माइनस सिक्स करेंगे तो क्या आती है, टू, इसके आगे आप माइनस लिखोगे तो टू नेगेटिव। जब आप एट माइनस करके कुछ निकालते हो तो आगे नेगेटिव आ जाता है, समझ आ रही है, एट माइनस टू करके जो निकाला है, एट माइनस सिक्स करके निकाला है तो टू नेगेटिव में आएगा, ओके। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की क्या एटॉमिक नंबर है, नाइन, तो फर्स्ट शेल में कितने हैं, सेकंड शेल में कितने हैं, सेवन, एट माइनस सेवन विल बी वन, इट विल बी माइनस वन। समझ आ रही है, माइनस वन। अगर मैंने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ लगाना है, दैट इज ओ टू नेगेटिव, है ना, ओ टू नेगेटिव, तो इसका टू नेगेटिव यहाँ आ जाता है, इसका पॉजिटिव वन यहाँ आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ए एन ए टू ओ। तो ये फॉर्मूला है सोडियम की ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। इसको इस तरीके से समझो कि सोडियम बेचारा एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है ना, तभी पॉजिटिव वन है, 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है। मैंने कल भी बताया पॉजिटिव किसके ऊपर आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके अंदर से नेगेटिविटी बाहर जाती है, तो सोडियम से कितनी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है, वन। समझ आई, सोडियम से वन नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है, तो पॉजिटिव वन है। अब ऑक्सीजन को कितनी चाहिए, टू चाहिए, तभी तो ये टू नेगेटिव है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, टू सिक्स, तो लास्ट शेल में हमें आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ऑक्सीजन कितने चाहिए, टू, सोडियम कितने दे सकता है, वन, तो दो सोडियम यूज होंगे एक ऑक्सीजन को देने के लिए, तभी फॉर्मूला बनता है Na2O। समझ आ रही है कि दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को दो सोडियम इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि एक सोडियम तो एक ही दे सकता है, दो ही दे सकते हैं ना, ये तो ट्रिक है जो ये क्रॉस लगाते हो, ये कंसेप्ट नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्रॉस क्यों लग रहा है। आप सोचो इसको कि दो सोडियम चाहिए एक ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए,
एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हमें दो ना दो सोडियम चाहिए, तो फॉर्मूला बनता है Na2O। अब यही देखो, अगर मैंने सोडियम को क्लोरीन के साथ लगाना है तो क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं, सेवन, इन सब की वैलेंस शेल में सेवन है, ये 287 है, टू ये 17 है, समझ आ रही है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, वन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है, 287। तो लास्ट शेल में आठ पूरे करने के लिए इसको वन इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम कितने दे सकता है, वन ही दे सकता है, तो एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन सफिशिएंट है। तो आप फॉर्मूला राइटिंग में इसे हम लिखते हैं ना NaCl, तो आपको ट्रिक तो यही समझाई जाती है कि Na पॉजिटिव वन है, Cl नेगेटिव वन है, कैंसल आउट कर दो जी NaCl। तो कंसेप्ट समझो कि एक सोडियम एक देख सकता है, एक क्लोरीन को एक ही चाहिए, समझ आ रही है, फॉर द पॉइंट। तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, वैसे ही एक हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, हाइड्रोजन है, वेल हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर है, वन, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो एक दे दे या एक ले ले, दो कंसेप्ट है, या तो शेल पूरी खत्म कर दे एच प्लस बन जाए, या एक ले ले। अब मेटल्स तो इसको दे देते हैं, तो हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सोडियम भी तो एक ही दे सकता है, तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaH, सोडियम को भी एक ही चाहिए और एक दे सकता है, हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए, समझ आ रही है। क्रॉस तो आप लगाना सीख लेते हो नाइन्थ में, वो सिर्फ ट्रिक के लिए लगाया जाता है, उसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, कंसेप्ट ये है, समझ आ रही है, गॉट इट। अब वैसे ही अगर आपको बोला जाए एटॉमिक नंबर 12, राइट डाउन एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो हरी, अब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो, लिख लिया, लिख ली, क्या आई, 282, क्या है एलिमेंट का नेम, मैग्नीशियम, कैसी ऑक्साइड बनेगी इसकी, मैग्नीशियम की अगर वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी क्या है, टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, टू पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, टू नेगेटिव, तो मतलब एक मैग्नीशियम टू इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक ऑक्सीजन को टू इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो एक एक सफिशिएंट है, ठीक है। फॉर्मूला राइटिंग में आपको ऐसे ऐसे समझाया जाता है, मगर आप खुद भी समझो, देखो एक मैग्नीशियम ने टू इलेक्ट्रॉन देने हैं और एक ऑक्सीजन ने टू इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं, तो एक एक सफिशिएंट है दोनों, समझ आ रही है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड में माइनस वन होता है, होता है ना, क्लोरीन क्या होती है, 287, तो मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, टू, एक क्लोरीन कितने ले सकता है, तो एक मैग्नीशियम के पास कितनी टेंडेंसी, कितने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने की, टू क्लोरीन को, अगर मैं टू कैंडिस दे सकती हूँ किसी को, तो मुझे टू स्टूडेंट्स को मैं दूंगी, समझ आ रही है। तो एक मैग्नीशियम टू क्लोरीन को दे सकता है MgCl2, तभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, समझ आ रही है, MgCl2 इसलिए लिखा जाता है, ये ऐसे नहीं कि याद कर लेना फॉर्मूला बस, ठीक है। वैसे अगर मैं हाइड्राइड बोलूं, हाइड्राइड बनाओ MgH2, वो हाइड्राइड है, क्योंकि एक मैग्नीशियम कितने दे सकता है, टू, हाइड्रोजन को कितने लेने हैं, वन, तो कितने हाइड्रोजन को दो लेने पड़ेंगे, टू, तो Mg2 पॉजिटिव, H1 नेगेटिव, तो Mg
H2 ये होगी हाइड्राइड, समझ आ रही है? अब ऐसे लिखो एटॉमिक नंबर 13, ये तो बहुत आती है इसकी ऑक्साइड पेपर में, ये राइट डाउन एटॉमिक नंबर 13, टाइम इज गोइंग टू बी अप। हाँ जी, लिख लिया एटॉमिक नंबर 13, क्या आया आपका? 2, 8। एलिमेंट कौन सा है? क्या इसका वो होगी वैलेंसी? बनाओ इसकी ऑक्साइड। 2 नेगेटिव है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी Al2O3। अब देखो इसको भी देखो, एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3। 2 एल्युमिनियम कितने देंगे? 6। 3 ऑक्सीजन कितने रिसीव कर सकते हैं? एक ऑक्सीजन कितने रिसीव करेगा, तो 3 कितने करेंगे? 6। तो तभी Al2O3 है, समझ आ रही है? 2 एल्युमिनियम ने कितने दिए? 6 दिए, और 3 ऑक्सीजन ने कितने रिसीव करे? 6 करे। ईच ने कितने रिसीव करे? 2 करे, समझ आ रही है? तभी फॉर्मूला आता है Al2O3, समझ आ रही है? क्योंकि एक और एक कंबाइन नहीं हो सकता। ओके,